अगर आप ही इस बात को उठा रहे हैं कि जी बाबा गलत है, वो जेल में है, तो जेल में तो श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। तो लोग जो है यहाँ तक कि जो अच्छा काम करते थे उनको पत्थर भी मारते थे। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब के बीच में जो है 10 गुरु हैं, तो उनके साथ जो है ततियाँ तोइयों के ऊपर वो बिठा के उनके साथ भी जुर्म होता है। मैं गलत हो सकता हूँ, 10-15 आदमी और गलत हो सकती हैं, इतनी जनता पब्लिक को गलत तो नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल कक्कड़ और सच कहूँ में आपका स्वागत है। दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा रूहानी स्थापना दिवस का जो रूहानी भंडारा आज मनाया जा रहा है, उसके बारे में स्थानीय लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो इस आयोजन को देखते हैं। जी भाई साहब, जिस तरीके से आपने देखा आज डेरा सच्चा सौदा का आयोजन किया जा रहा है, कैसा लगा आपको? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ और डेरा सच्चा सौदा का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के यहाँ संगत का जो यहाँ पे ये समागम का समारोह कर रहे हैं। और हमें भी काफ़ी खुशी है यहाँ की कि यह जितना इनकी एडजस्टमेंट है और जितना भी यहाँ का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, सेवादार हैं और भी जो अरेंजमेंट किया हुआ है, तो इन्होंने जनता को कोई असुविधा नहीं हो रही है और बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल जो है यहाँ की व्यवस्था की। और हम ऐसा नहीं है कोई भी कि नहीं भी मीडिया बोल रहा है या कोई दूसरे इसको राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर लिया जाए या किसी के ऊपर। ये देवभूमि है, यहाँ पर देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ सभी का आदर किया जाता है, हर एक के साथ व्यवहार अच्छा किया जाता है। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक की धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, धार्मिक सोच होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई अखबार बोलता है या कोई किसी के एंटी बोलता है, तो वो सभी कोई चोर बदमाश या कोई बड़े बड़े वो नहीं होते हैं। कुछ लोग तो राजनीति का शिकार हुए होते हैं। अगर हम इनकी समागम की बात करें, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु संदेश ज़रूर देना चाहता हूं। अगर कोई आदमी गलत काम करता है, कोई बाबा है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई भी है, उसके पास कोई जाता है। यहाँ पर देखो लोग जो है अपने परिवार को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, अपनी बीबी अपनी बहनों को लेके सारे एकत्रित हुए हैं। तो क्या कोई आदमी, कोई भी जो मेरी बात सुन रहा है, तो क्या जो अगर आप ही इस बात को उठा रहे हैं कि जी बाबा गलत है, वो जेल में है, तो जेल में तो श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। तो इसमें इस चीज़ को ना सोचो, उसके अच्छे गुण प्राप्त करो, अच्छी उसकी दृष्टि रखो। अगर हम गलत है तो हमें गलती जैसा चश्मा पहनेंगे हम वैसे दिखाई देगा। तो इसलिए इस बात को हमारी तरफ से तो ये संदेश है कि नहीं, इस भावना को त्याग करके एक अच्छे धार्मिक संस्था से जुड़ें और धर्म के काम करें, अच्छी नीयत रखें, गुरु वाले ज़रूर बने। ये तो ज़रूरी है कि आजकल सारे मतलब सच्चे नहीं होते हैं, तो कुछ एक गलत भी होते हैं, इससे तो बचो। बाकी जो सच्ची बात होती है तो वो तो आपको यहाँ पे मीडिया द्वारा भी आपको पास बात पहुँच जाएगी। और जो है अच्छी नीति जो है और अच्छा परिवार के साथ लोग जो है यहाँ पे आना और इतनी पब्लिक को एकत्रित करना, मैनेजमेंट करना, तो ये तो अच्छी अच्छी सरकारें नहीं कर सकती है। तो इसमें ऐसा धार्मिक जगह के ऊपर गलत चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। मैं तो बहुत धन्यवाद हूँ कि जिस जेल में ये साहिब रहते हैं, तो वहाँ के सुपरटेंडेंट साहब कितने अच्छे होंगे, उनका व्यवहार कितना होगा, अच्छा होगा। तो इनके प्रति भी सोच जो है अच्छी होनी चाहिए। अच्छे काम करते हैं, उनके पीछे जो है लगे रहते हैं लोग। किसको नहीं आजकल धर्मगुरु को, धर्म जो अच्छे काम करता है उसके पीछे जो है बुराइयाँ होती है, चली रहती है, उनको घड़ीसते हैं लोग, तो और उनका जो है निरादर करते हैं। तो लोग जो है यहाँ तक कि जो अच्छा काम करते थे उनको पत्थर भी मारते थे। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब के बीच में जो है 10 गुरु हैं, तो उनके साथ जो है ततियाँ तोइयों के ऊपर वो बिठा के उनके साथ भी जुर्म होता है। गुरु अर्जुन देव जी को देखा आपने कितना क्या उनके साथ बीती हुई है। तो आज जनता जो है पीर पैगंबर या जो भी अच्छा मार्ग दिखाते हैं उनके ऊपर जुर्म होते हैं। तो उसमें जो आदमी को अच्छी सोच ही देते हैं। जब अच्छी सोच देते हैं, जब वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे अफसर हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, तो वो भी आते हैं। अगर यहाँ पे गलत पे होता है तो को अपने माँ बहन बच्चों को ले जाता साथ। कभी ऐसा कोई अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो मेरे को बता दो कि नहीं भाई, माँ बाप अपने भाई बहन को ले जाएगा, वो गंदी जगह ले जाएगा, जिसको अच्छा लगता है वही ले जाएगा। तो मैं गलत हो सकता हूँ, 10-15 आदमी और गलत हो सकती हैं, इतनी जनता पब्लिक को गलत तो नहीं हो सकती है। तो मैं सब इससे निवेदन करता हूँ कि नहीं, आप जो है किसी को गलत कहने से पहले अपने अंदर झांकी मारो कि हम कितने सच्चे हैं, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। पर हम दूसरी तरफ उंगली तो उठाते हैं पर चार उंगलियां हमारी तरफ ही हैं। पहले अपनी तरफ झांकी मार के तब किसी की बेइज्जती, निंदा, चुगली और वैरिष्य की बातें करो। किसी को नफरत फैलाने या किसी की बेइज्जती करने से आप अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं, दूसरों की नहीं कर रहे हैं आप। तो इसलिए मेरा सभी को धन्यवाद जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। बाकी सारे गुरु वाले बनो और अच्छे कर्म करो। मैं तो ये भी अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि सच्चे पातशाह चाहे किससे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको बख्श दे और अच्छे मार्ग पे चल पे सारे गुरु वाले बनो तो ताकि ये लोग सुखी और परलोक से ला हो जाओ। नमस्कार जी। ये थे एक स्थानीय नागरिक जिन्होंने बड़ी साफ गोई से ये बात बोल दी कि गुरु वाले बनो। और ये जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है नामचर्चा घर की ओर, नामचर्चा के लिए ये सभी लोग जो हैं श्रद्धा के लिए, आस्था के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इनकी आस्था अटूट थी, दृढ़ थी और वो और ज़्यादा दृढ़ और ज़्यादा मजबूत समय के साथ होती जा रही है।